नमस्कार, मैं हूँ प्रीति रॉय और स्वागत है आपका स्वदेश वाणी की मॉर्निंग बुलेटिन में। इस समाचार के प्रायोजक हैं जीव जिन्फ्रा, सबका सपना रांची में घर हो अपना। आई नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। जो बाइडेन का ऐलान, लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गॉर्सिटी होंगे भारत में अमेरिका के अगले राजदूत। दुनिया में डेल्टा वेरिएंट का खतरा और बढ़ा, फाइजर ने अपनी वैक्सीन की तीसरी डोज के लिए मांगी मंजूरी। हैती के राष्ट्रपति की हत्या का पर्दाफाश, दो अमेरिकियों समेत 28 लोगों ने रची थी साजिश, पुलिस ने 3 संदिग्धों को ढेर किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्जिया को 17वीं सदी की जॉर्जियाई महारानी सेंट केतवन के अवशेष सौंपे। अब नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर। मोदी सरकार के 42% मंत्री हैं दागे और 90% है करोड़पति, एडीआर की रिपोर्ट में किया गया दावा। कर्नाटक में परपना अग्रहारा जेल और बेंगलुरु वेस्ट डिवीजन में हुई छापेमारी, 76 लोग हिरासत में लिए गए। कर्नाटक का सरकारी स्कूल बनेगा सैटेलाइट डिजाइनिंग का हिस्सा, इसरो की मदद से परिसर में ही डिजाइन बनाएंगे बच्चे। 3 दिन के अंदर देश के 20% इलाकों में एक्टिव होगा मॉनसून, पंजाब हरियाणा सहित कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका। अब नजर डालेंगे झारखंड बिहार की खबरों पर। झारखंड में दिसंबर में हो सकते हैं पंचायत चुनाव, 6 महीने बढ़ सकता है कार्यकाल, मंजूरी के लिए गवर्नर को भेजा अध्यादेश। कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए झारखंड के 24 जिलों में से 11 जिले, अस्पतालों में घटी मरीजों की भी संख्या। कोरोना काल का असर, झारखंड के 221 निजी स्कूल हो गए बंद, नामांकन में भी आई भारी कमी। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का खुलासा, राजपूत थे पूर्वज, अपनाया था इस्लाम। बिहार में नहीं मिला डेल्टा प्लस का एक भी केस, मंगल बोले, बिहार अलर्ट पर, सैंपलों की कराई जा रही है जांच। इस महीने से घर पहुंचने लगेगा जमीन का नक्शा, डोर स्टेप डिलीवरी वाला पहला राज्य बनेगा बिहार। अब नजर डालेंगे खेल जगत की खबरों पर। जोकोविच शापोवालोव को हराकर 30वें ग्रैंड स्लैम के फाइनल में, बेरेटिनी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची। यूरो कप फाइनल में फुल रहेगा 90,000 कैपेसिटी वाला वेम्बली स्टेडियम, 83,000 के टिकट 56 लाख रुपए में बिके। ये थी हमारी आज की मॉर्निंग बुलेटिन, कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक के लिए बने रहें स्वदेशवाणी के साथ। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.swadeshwani.com पर लॉगिन करें और साथ ही स्वदेशवाणी की ऐप को इंस्टॉल करें। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।